चीनी, ना ये नाम नया है और ना ही ये स्वाद। हमारे खाने में मिठास घोल देने वाली चीनी का इतिहास काफी पुराना है। सुबह की गर्मा गर्म चाय से लेकर गुलाब जामुन तक चीनी हमारी जिंदगी में मिठास घोलती है। चीनी गन्ने से बनती है, लेकिन कभी कोई मिठास या गन्ने का स्वाद लेते हुए आपके जहन में ये सवाल आया कि क्या गन्ने सबसे पहले कहाँ उगाए गए होंगे, कैसे बनी होगी पहली बार गन्ने से चीनी? चलिए जानते हैं गन्ने का और चीनी का। गन्ने की खेती 8000 साल पहले दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में न्यू गिनी के द्वीप पर हुई थी और इसके पास सोलोमन द्वीप समूह में फैली हुई थी। इसके 2000 साल बाद गन्ना इंडोनेशिया, फिलीपींस और उत्तर भारत तक पहुंच गया। चीन में गन्ना लगभग 800 ईसा पूर्व भारत से पहले पहुंचा था। शक्कर की शुरुआत 8वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिम और अरब व्यापारियों ने भूमध्य सागर, मेसोपोटामिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और एंडासूरिया में अब्बासीद खलीफा के दक्षिण हिस्सों में की थी। गन्ने के बारे में बताने वाली अंग्रेजी वेबसाइट ट्विंगेन के अगर हम माने तो लगभग सन 1520 तक मैदानी क्षेत्रों में गन्ने की खेती बढ़ रही थी। स्पैनिश एक्सप्लोरर कोस्ट्रेज ने 1535 में उत्तरी अमेरिका में पहली चीनी मिल की स्थापना की थी। जल्दी ही इसकी खेती पेरू, ब्राजील, कोलंबिया और वेनेजुएला में फैल गई। लगभग 1547 में प्यूर्टो रिको में भी पहली चीनी मिल स्थापित हो गई थी। फिर आया साल 1600, वहां पर अमेरिका के कई हिस्सों में चीनी उत्पादन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक उद्योग बन गया था। वेस्ट इंडीज के शर्करा द्वीप इंग्लैंड और फ्रांस के लिए आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद होते थे। शक्कर उस समय इतनी महंगी बिका करती थी कि लोग इसे विलासिता की वस्तु मानते थे। जहां विलासिता की बात आती है, वहां महारानी एलिजाबेथ को कौन भूल सकता है। आपको पता है, वो अपनी मेज पर एक चीनी का कटोरा रखा करती थी और रोजाना अपने खाने और मसाले के रूप में चीनी का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि तब चीनी बड़ी महंगी हुआ करती। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल मूड हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।